डेढ़ बच्चे को विदाउट पोस्टमार्टम बॉडी दिलवाए और हमारे कमिश्नर साहब से भी बात करके आज उनके इंस्पेक्शन के लिए बोला, चूंकि कल संडे था। लेकिन इससे कल भी गंगानगर का जो नाला है उसका एस्टीमेट भी बन गया, 16 को उसका एस्टीमेट है और ये कलवट का भी काम हो रहा। खैर, इत्तेफाकी तौर पे हादसा, मुझे भी बेहद अफसोस है, बेचारा एक मासूम बच्चे की डेथ हो गई। वो नाले के ताल्लुक से भी मैं परस्यू किया, अभी लाके हमारे कमिश्नर साहब, हमारे जोनल कमिश्नर, तमाम सीज ई, तमाम स्टाफ मेंबर्स का इंस्पेक्शन करवाया गया। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो भी नाले की रिटेनिंग, पहले डिसिल्डिंग करवाई जाएंगी, डिसिल्डिंग करके नाले की रिटेनिंग वाल रेस करके उसके ऊपर फेंसिंग करवाएंगे। और भी याकूतपुरा स्टेशन के पास जो मुर्की नाला है, काफ़ी ज़माने से पेंडिंग है, कंट्रैक्टर लापरवाही कर रहा था, उसका काम कैंसिल करवा के फिर रिकॉल टेंडर किए, इंशाल्लाह वो भी काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। चूँकि और भी बहुत सारे काम हैं, डबिलपुरे का नाला है वो भी बाग ड्रेन सैंक्शन हो चुका है, एक टेंडर भी हुआ, वो भी काम जल्द से जल्द शुरू होगा। चूँकि रेनी सीजन से पहले मैं चाह रहा हूँ कि पर्टिकुलर याकूतपुरे का जो एरिया है, तमाम एरिया तालाब कट्टे से लेकर डबिलपुरा, याकूतपुरा, मुर्तुजा नगर, इमली बन, रंगेली खिड़की, ये सारे एरिया स्टॉर्म वाटर ड्रेन पर डिपेंड हैं। मैं रेनी सीजन से पहले, मैं पिछले 4 महीने से परस्यू कर रहा हूँ ताकि तमाम ड्रेन सही तौर पर सफाई है और उसके जो भी काम हो मुकम्मल होने के लिए इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द से जल्द ये तमाम काम मुकम्मल हो जाएंगे। बच्चे के ताल्लुक से भी, एक्सरेशा के ताल्लुक से, उसी दिन शाम में जैसी मुझे मालूम, 5 मिनट के अंदर मैं हमारे बल्दिया के अहदेदारों से बात किया, एक्सरेशा के लिए भी बात किया, इंशाल्लाह तो एक्सरेशा भी मंजूर हुआ। FIR देने के बाद वो लोग एक्सरेशा रिलीज़ करेंगे। अभी कमिश्नर साहब ने वायदा किया कि उनके वालिद को भी, जैसा बैंक से लोन वगैरह दिला के कार्ड रहे और है लड़का, उसको कार्ड दिलाने के ताल्लुक से मैं भी इंशाल्लाह ताला उसे परस्यू करके उसको भी लोन पे कार्ड दिलवाएंगे। बहरहाल जो भी दीगर काम है इंशाल्लाह करवाने के लिए पूरी पूरी कोशिश की जा रही। मेरी आवाम से गुजारिश है कि जो भी बखिया काम है जो आपके नॉलेज में है, मैं भी इंसान हूँ, मैं सुबह से शाम तक तो हर गली फिर के नहीं दे सकता, अगर मुझसे भी कोई लापरवाही हुई या कोई काम छूट गया था, मैंने नॉलेज में लाई है, इंशाल्लाह मैं करवाने की करूँगा। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सारे शहर हैदराबाद में ईमानदारी और दयानतदारी से काम कर रही है। मैं हल्के याकूतपुरे का पिछले 23 साल से MLA हूँ, मैं हत्तल इमकान ये कोशिश करते रहा कि कोई बोले या नहीं बोले, मेरी नज़र में अगर कोई प्रॉब्लम पड़ भी गया तो मैं मुतल्लिका अहदेदारों से कह के वो प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने की पूरी पूरी कोशिश करते रहता हूँ। फिर एक बार मेरी गुजारिश है कि अगर आपके नॉलेज में भी कोई ऐसे काम हैं जो नहीं हुए हैं, जिससे आवाम को तकलीफ हो रही है, आप मेरे नॉलेज में लाइए, इंशाल्लाह ताला वो काम करवाने की भी पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। करने के बाद ये लोग जो GHMC वाले एक्शन ले लिए, जो भी रिस्पॉन्सिबल है उन लोगों के लिए कुछ आप एक्शन बोला, एक्शन क्या है? देखिए वो तो हादसाजी तौर पे हुआ, इत्तेफाकी तौर पे कंप्लेंट्स कहीं है ना, क्या सर हो जाएंगे हादसा बोलते भी लोग बोलते। नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं दिए, मैं MLA हूँ, मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ एरिया का, आप उस दिन भी मेरे साथ, मेरे को बोलना आप, मैं खाली शोपीस बनावा नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ, मैं सुबह से लेकर रात के 1-2 बजे तक मसरूफ हूँ, मैं 1-2 बजे तक अवेलेबल हूँ, मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। आप मेरा टेलीफोन 5 बजे रात को मेरे को कॉल करिए, मैं टेलीफोन रिसीव करता हूँ आपका। ये मुर्की नाला जो है और उनका साइड ड्रेन्स भी जो है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, किधर रिटेनिंग वॉल का कंस्ट्रक्शन करना है और किस में डीसिल्टिंग करना है? फॉर एग्जांपल डीसिल्टिंग इससे पहले साल में एक बार करते थे, सो कई जगह ऐसे होते कि हर एक महीना नहीं करे तो, स्पेशली मानसून सीजन में हम मई में कर दिया, फिर जून जुलाई में कुछ सिल्ट आया, सो वो ज़्यादा रेन अगर बारिश हो गए तो पानी उधर ही ठहर जा रहा है और घरों में भी पानी आ रहा है, इसलिए हम एनुअल डिसिल्टेशन का प्लान इस बार कर चुके हैं और उसके उस अब जनवरी में भी करेंगे, फरवरी में करेंगे, मार्च में भी करेंगे, जब हर एक महीने में करेंगे, सो ताकि उनका कैपेसिटी जो है नाला का कैपेसिटी बढ़ाने का कोशिश करें। और कुछ जगह में फॉर एग्जाम्पल ये याकूतपुरा स्टेशन के पास ये वाटर बोर्ड का कोई पाइप्स जा रहा है, सो उससे वो वेंट के पास ये जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन जाने का उसका कैपेसिटी कम हो गया, सो वाटर बोर्ड से बात करके वो टेंडर भी बुलाए और वो ऊपर उठाए तो थोड़ा पानी जा सकते हैं। वैसे ही वो पूरा मुर्की नाला में घुस के कुछ लोगों ने कंपाउंड वॉल बनाए, कुछ लोग घर बनाए, पर 1-2 लोगों के वास्ते देखे तो पूरा हजारों लोगों के घर के पानी आ जाएंगे और बहुत मुश्किल होते हैं रहने को, स्पेशली रेनी सीजन में। सो कितना भी तकलीफ होने दो 1-2 लोगों को, मगर सबके भलाई के वास्ते एंक्रोचमेंट्स कंपल्सरी निकालना पड़ता है, हम पुलिस को लगाएंगे और
प्लानिंग वाले और इंजीनियरिंग वाले म्यूनसिपलिटी वाले भी मिलके समझाएंगे भी वो लोगों को, और वो पूरा नाला के जो भी इंक्रोचमेंट्स है वो नहीं निकाले तो हम कितना भी करें तो उसका कैपेसिटी एनहांसमेंट नहीं होता। एक डिसिल्ट्रेशन के बाद साल भर, और दो जो नाला के अंदर घुस के आके इंक्रोचमेंट करे है कंपाउंड वाल या घर बनाए उनको निकालना पड़ता, और कुछ हम सैंक्शन भी दिए है, सैंक्शन दिए तो भी फिर ये लोगों को नहीं हटाए तो काम भी नहीं होता। सो इसीलिए, और एक ये बच्चा भी जकी अब्बास जो 2 साल का बच्चा भी गिर गया, और उधर भी वो देखे, वो डिसिल्ट्रेशन करना है और वॉल भी उठाना है और चेन भी रखना है वो, एंड कुछ लोग भी क्या है अपना घर सामने स्लैब डाल दिए, फिर एक 20-30 मीटर से स्लैब अगर डाल दिया ऐसा तो क्लीन कैसा करेंगे हम? अगर साल भर डिसिल्ट्रेशन का प्लान करें तो भी नहीं कर सकते, ऊपर नीचे करते हैं, फिर बीच में जहाँ स्लैब है उधर डिसिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। सो ये भी उन लोगों को समझाना है, और एक के भलाई के वास्ते सब लोगों को मुसीबत उठाना अच्छा नहीं है, ये सब लोग बैठ के हम सोचने की बात है। और JHMC और पुलिस वाटर बोर्ड ये सब भी कन्वर्जेंस मीटिंग्स रख के, एंड एक एक ये जो भी रोड एंक्रोचमेंट है नाला के एंक्रोचमेंट है वो बहुत मुश्किल है। हमारा सिटी में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, इससे पहले बहुत कम पॉपुलेशन थे, अब पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो गया है, रोड का जो भी ओरिजिनल रोड था वो पूरा एंक्रोचमेंट हो गया है, जो भी ओरिजिनल नाला था वो भी एंक्रोचमेंट हो गया। अगर ये नहीं निकाले तो आइंदा और बहुत मुश्किल होने का ये है संभावना, इसीलिए हम ये MLA साहब आज बुलाए, पूरा ये एरिया में हम इंस्पेक्शन करें, अब जो भी पेंडिंग वर्क्स है वो भी कराएंगे, और डिसिल्ट्रेशन जो भी है शुरू करेंगे, जहाँ जो नाला का डायमीटर कम है उधर मैन्युअली करना पड़ता है, एंड 100% जितना डेप्थ तक जाना उतना डेप्थ तक हम जाएंगे, डिसिल्ट्रेशन अप करेंगे, फिर साल भर भी करते रहेंगे ताकि उनका कैपेसिटी कम ना हो जाए। के तरफ से भी एक्सक्रेस दिएगा, और वो उनका फैमिली को भी अगर कुछ ड्राइवर है उन्हें हम बैंक लोगों से भी बात करके कुछ मदद कर सकते क्या? अभी मैं जनरल साहब को बोला भाई एवरीथिंग आफ्टर द इंसिडेंट, हर चीज को इंसिडेंट हुए बाद से नुकसान हुए बाद से आप लोग गोइंग टू ट्राई फॉर वेल, क्यों ये हादसे से पहले अगर यू हैव टेकन द मेजर प्रिकॉशंस भाई इट वुड हैव नॉट बीन हैपेंड। सही है आप बोले, जैसा सही है, मगर सिर्फ JHMC का ना गवर्नमेंट का है, लोगों का भी है, जो आप देखे पूरा हमारे लोग ही है, वो लोग मालूम है नहीं मालूम है नहीं मालूम, वो पूरा एंक्रोच भी करे सो है। ये अंडा पहले है मुर्गी पहले है, ये डिबेट तो चलते रहेगा, और वो लोगों का ज़्यादा है JHMC का ज़्यादा है, ये बहस में हम नहीं जाएंगे, सबसे मिलके, दूसरे डिपार्टमेंट्स का भी प्रॉब्लम है इसमें, सबसे मिलके एक एक प्रॉब्लम को लेके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अब जो हुआ है वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, एंड उनका मदद करना हमारा ड्यूटी है।